बनाई, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, स्वतंत्र पटेल और कितनी ओबीसी। अरे ठीक है, डीसी काहे मुख्यमंत्री नहीं बनाए, योगी आदित्यनाथ से क्या दिक्कत है? अरे काहे ना दिक्कत बाटे, हमारा आरक्षण का लाभ दें, हमारे बच्चन का आरक्षण का लाभ दें, बैठे रहते हैं ना। बीसी समाज के बच्चों की बात कर रहे हैं कि ये जो है कि बीजेपी सरकार उनको क्या कर रही है? आरक्षण जो दे रहे हैं कहाँ दे रहे हैं बताइए, हर जगह तो हो रहा है, यूनिवर्सिटी से लेकर उठा से प्रोफेसर वगैरह यूनिवर्सिटी में कहाँ है, कितने उच्च न्यायालय से लेके वानी उठा से देखिए तो कोई नहीं, ओबीसी तो कहीं कहीं एकदम खाली है, सिर्फ वो यानी सामान्य वर्ग के लोग हैं। अरे बरकरार ईवीएम रहेगा, लहर उनकी है, फिर आप ईवीएम पर आ गए, ईवीएम से क्या दिक्कत? ईवीएम से दिक्कत है, वोटिंग कराए ना, वोटिंग कराए, देखिए किसकी जनता किसके साथ है, जनता किसके साथ है, वोटिंग करा के देख ले। तो ईवीएम से वोटिंग हो रही है ना? ईवीएम से वोटिंग हो रही है तो वही तो गड़बड़ी है, बैठे 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 वहां कर रहा है यहाँ पर जो है कि मशीन। ईवीएम हटा के चुनाव करा ले, पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ सबको। ईवीएम से क्या नाम है? हरिश्चंद्र पटेल। पटेल जी क्या लग रहा है 2024 में किसके साथ? अरे 2024 में जो जनता जो जिसके साथ रहेगी वो तो जीतेगा ही, मगर इस बार जीतना तो जो है असंभव है यहाँ इस चुनाव इस लोकसभा सीट से। क्यों ऐसा क्यों लगता है? ऐसा है यहाँ ज्यादा जातिवाद की बात लोग करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीसी के बच्चों को क्या दिए हैं आरक्षण जो है कि पता लगे कई परसेंट है, कितना दे रहे हैं, पढ़ लिख करके लड़के घूम रहे हैं, आवारा गर्दी कर रहे हैं, फिर भी जनता खुश तो है ना? अरे खुश क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, खुश है, मजबूरी है कि आप हमको बांध के मारा कसकिन सही। जितने आपने कहा पटेल जी हैं, आप पटेल वोटर तो जो है वो अनुप्रिया पटेल की वजह से बीजेपी समाज समाज की बात है, जहाँ समाज है वहाँ हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हम पल्लवी पटेल वाले पटेल हैं या अनुप्रिया वाले पटेल हैं? देखिए हम पटेल हैं, हमारी मर्जी, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के साथ भी रह सकते हैं, जो है कि यह बात नहीं है, हम अपने समाज अपने बीसी समाज के बच्चों की बात कर रहे हैं कि ये जो है कि बीजेपी सरकार उनको क्या कर रही है। हाँ ओबीसी तो प्रधानमंत्री है, और क्या चाहिए आपको? कौन प्रधानमंत्री है, वो तो कहने के प्रधानमंत्री है ना, उनकी आड़ में राज्य दूसरा कर रहा है, होना चाहिए ओबीसी प्रधानमंत्री। नहीं ये गलत बात है, मोदी तो मोहरा है और क्या, क्या होना चाहिए? राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये सब जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं सब उनकी चल रही है। कब मोदी जी ठीक है, मोदी जी कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, बहुत सही है मैं मानता हूँ, मगर मोदी जी कहाँ कहाँ पहुँचेंगे बताइए, पूरे देश में, इंडिया इतनी लंबी चौड़ी है, सही है गलत है? अरे जो इंडिया गठबंधन हुआ है कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अरे बहुत कुछ कह ले है, बहुत कुछ कह ले है, अगर जनता की निगाह में आ गया। सन 77 में क्या स्थिति थी कांग्रेस और जो है कि हाँ तो लहर थी, कहाँ चली गई 77 में, लहरिया कहाँ गई उस समय, बनी ना तीन राज्य जीत कर ये बता दिए ना कि लहर हमारी बरकरार है। अरे लहर बरकरार, ईवीएम रहेगा, लहर उनकी है, फिर आप ईवीएम पर आ गए, ईवीएम से क्या दिक्कत? ईवीएम से दिक्कत है, वोटिंग कराए ना, वोटिंग कराए, देखिए किसकी जनता किसके साथ है, जनता किसके साथ है, वोटिंग करा के देख ले। तो ईवीएम से वोटिंग हो रही है ना? ईवीएम से वोटिंग हो रही है तो वही तो गड़बड़ी है, बैठे 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 वहां हंग कर रहा है यहाँ पर जो है कि मशीन जो है कि कितना उनको मान लीजिए 40% मिली है, 20% हंग कर दिया इधर की उधर हो गया 60%। आपको लगता है कि हैक किया जा सकता है? हाँ हो सकता है, क्या ना असंभव, क्या किया? चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था विपक्षी पार्टियों को कि आप ये ईवीएम मशीन ले जाओ और हैक करके दिखाओ। क्या अभी यहाँ जो है कि अभी वो क्या कहते हैं नागपुर में जो है मीटिंग थी उसमें जो है कि अब बताइए ईवीएम क्यों हटाए, क्यों ईवीएम से करा रहे हैं, क्यों इससे नहीं मत कराते, मत कराए ना बैलेट पेपर से, मत दे मतदाता, उसके बाद समझ में आ जाएगा जनता का कितना बड़ा रुख है, किसके पक्ष किसके साथ है किसके साथ नहीं है, वो खुद ही मालूम होगा। आपकी मशीन है, आप जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप तो कोई राजा है। बीजेपी कहती है जहाँ विपक्ष हारता है वहाँ ईवीएम का रोना रोना लगता है। रोना रोना नहीं है तो जान के जो है कि कहाँ जीत रही है बताइए, इन पहले ये उत्तर प्रदेश में पश्चिमी में पहले जीत लिए, पूर्वांचल में हारना शुरू किए, पश्चिमी में जीत के पहले ही अपना कोटा पूरा कर लिए, पूर्वांचल में दिखा रहे कि हार गए वो हार गए हार गए वो हार गए, क्यों ऐसा, क्या पूर्वांचल से पश्चिमी में कम है जो है कि बीसी के लोग हैं?
तो बीसी के लोग तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ कहाँ है, तो कहने के लिए तो हम तो बीजेपी के बनना है। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, स्वतंत्र अनुप्रिया पटेल और कितनी ओबीसी। अरे ठीक है, बीसी का प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बनाए, योगी आदित्यनाथ से क्या दिक्कत है? अरे काहे ना दिक्कत बाटे, हमारा आरक्षण का लाभ दे, हमारे बच्चन का आरक्षण का लाभ दे, बैठे टहरते है ना CBSE BEd ना ना, गलत बात है। 69,000 वाली भर्ती में कितना लोग के दिहन है, कितना काट दिहन, ओकर बाद सामान लोग भर ले हैं। जातिवाद कर रहे हैं आप? जातिवाद नहीं कर रहे हम, समाज हम बीजेपी के साथ हैं मगर सच्चाई पे, गलत पे नहीं। आप समाज को बांट रहे हैं? अरे बांट रहे, पहले वो बांट दिए हैं। गलत बोला तो बतावा भैया। हाँ तो आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। चलो आपसे आखिरी, क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव जी, क्या लग रहा है 2024 में किसका पलड़ा भारी लग रहा है अभी अगर चुनाव हो जाता है? यहाँ जौनपुर लोकसभा से तो इंडिया गठबंधन के, इंडिया गठबंधन। अच्छा, ये राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है तो लगता है कुछ असर डालेगा चुनाव में, बीजेपी को फायदा होगा? राम के नाम पे सिर्फ मुखौटा है, यानी फायदा तो ले रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को बस। बीजेपी को फायदा होगा क्या लगता है? फायदा तो हो भाई, उसी से तो सत्ता में आए हैं, राम मंदिर के, राम मंदिर के नाम पे ही तो सत्ता पे आए हैं। हाँ। और अब इनका काम क्या है? काम कोई नहीं, धरातल पे गठबंधन हुआ है, कहा जा रहा है कि आपस में ही लड़ रहे हैं, तो 2024 में लड़ पाएंगे भाई? ये तो आपस में अगर जब जो जिस दिन इकट्ठे हो जाएगा उस दिन इनके सत्ता इनसे दूर नहीं रहेगी, सत्ता इनके कदमों में, जिस दिन विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा उस दिन सत्ता इनके कदम में होगी। तो अभी तो इकट्ठे हुए हैं 28 दल। हाँ अभी हुए हैं, लेकिन इकट्ठा रहे तब, और कोई ताकत नहीं विपक्ष खड़ा पाए अगर जब इकट्ठा रहेंगे तो। आपको इंडिया गठबंधन लगता है कि अगर एक साथ लड़ती है? हाँ सही, तो हरा देंगे। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बेरोजगारी है मुद्दा, और बेरोजगारी है मुद्दा, मुद्दा बेरोजगारी है, समानता है, जाति असंतुलन है यहाँ पर, जाति असंतुलन कहते हैं। बीजेपी तो सबको साथ लेकर चल रही है, कहने का है ना, सिर्फ कहने का नारा है, और सबको साथ लेकर नहीं चल रही है, नहीं कुछ नहीं। ऐसा क्यों लगता है? अरे देख रहे हैं सब मुखौटे हैं, जैसे स्वतंत्र देव सिंह है, अनुप्रिया पटेल है, और सब तमाम नेता हमारे यहाँ जिले के मंत्री हैं, गिरीश यादव जी क्या कर ले हैं, अपना वो काम कर ले बस, सिर्फ अपना जेब भर ले। बीजेपी सबको सम्मान दे, कोई सम्मान कहने को है सम्मान न, लेकिन जैसे हाथी दो दांत होते हैं, एक खाने के एक दिखाने के, सिर्फ दिखाने वाला है, अब खाने वाला दूसरा दांत है इनका अंदर से एकदम। बीजेपी कहती है जी विपक्ष के लोग हैं, ये आरक्षण आरक्षण जो दे रहे हैं कहाँ दे रहे हैं बताइए, हर जगह तो हो रहा है, यूनिवर्सिटी से लेकर उथास प्रोफेसर वगैरह यूनिवर्सिटी में कहाँ है, कितने उच्च न्यायालय से लेके यानी उथास देखिए तो कोई नहीं, ओबीसी तो कहीं कहीं एकदम खाली है, सिर्फ वो यानी सामान्य वर्ग के लोग हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बना दिया यादव को, अरे मुख्यमंत्री घर का जैसे कोई छप्पर में रहता हो, मुखिया मुखिया होता है, और कोई किराए के महल में रहे तो उससे महल नहीं मतलब है। मोहन यादव महल में है जरूर, लेकिन किराए कब लात मार हटा देगा? मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से खुश है या नहीं खुश है? अरे भाई जहाँ बने तहाँ के लोग खुश, हम मैं क्यों खुश होगा, मैं तो यूपी में SC OBC की बात यूपी में बना दे, केशव प्रसाद मौर्य बना दे, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य बना दे, मैं खुश हूँ। OBC यूपी में देना है, जातिवाद कर रहे हैं। मैं कहाँ जातिवाद, वो लोग करेंगे, मैं कर रहा हूँ। जब योगी आदित्यनाथ जी बने हैं तो मौर्य जी को क्यों बना दे? अरे भाई मौर्य के नाम पे जीते थे यहाँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का तब पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट यहाँ से किए, माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे इलाहाबाद में, यहाँ कहे थे OBC मुख्यमंत्री होगा, इलाहाबाद से होगा, इलाहाबाद से कौन था, केशव मौर्य था ना, क्यों नहीं बनाए भाई? 2024 में आपको लगता है परिवर्तन? हाँ, इंडिया गठबंधन जीतेगा यहाँ से, सब वहाँ जो है सिर्फ अपना यानी तालुका चाट रहे हैं बस, नेता जो है OBC के हैं, तालुका चाट रहे हैं बस, कोई किसी यानी अपने यानी उठा के लिए कोई को काम नहीं कर रहा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं अभी सीटों के लिए लोग आपस में गुमराह करते हैं, EBM हटा दे इनको, पता चल जाएगा सब एकदम। EBM से नाराज? हाँ हम भी EBM से, चूंकि यहाँ भी 325 सीट सपा जीती थी, मतपत्र से हुआ था, 325 सपा जीती थी, बिहार में जीती थी, पढ़े लिखे लोग जब सपा के साथ है यानी RJD के साथ है, इनके साथ कौन है, जाहिल गंवार इनके साथ रहेंगे, कहाँ से रहेंगे भाई? बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं बड़ी बात, सही बात बोल रहे हैं, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। EBM हटा के चुनाव करा लें, पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ सबको। EBM से क्या बात है, जेल जाएगा एक दिन, सभी जाएगा जेल में डालेंगे बस, यही करेंगे। बीजेपी बहुत सारे राज्य हार, कहाँ हार गई,
अरे हिमाचल दिखाने के लिए हवा खड़ा करने के लिए हारते हैं, जान के हारते हैं, वो हारे कौन जान बूझ के हारते हैं। अरे भाई 10 राज्य जीत रहे थे, एक राज्य हारना भी चाहिए, ये दिखाते हैं। जा रहा है कि जनता मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है, कोई गारंटी नहीं, एकदम भ्रष्टाचार है। हम तो अंदर से देख रहे हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन अंदर से देख रहा हूँ भ्रष्टाचार कितना है, हम एकदम अंदर से देख रहे हैं।